ओके नमस्कार हसन मसूदी सर एक्चुअली फॉर द अटेंशन मोशन एंड दिस इज बीन कन्वर्टेड इनटू अ शॉर्ट डिस्कशन द सब्जेक्ट इज नीड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड जनाब लिटरेचर के अलावा खेल ही ऐसी चीज़ है जो कई 3000 साल से जिसके बारे में हम सुनते आए हैं जिसमें ओलंपिक्स पहले 776 BC में हुए और उसके बाद बराबर उस पर केंद्रित रहा है और अगर किसी चीज़ ने जोड़ा है इंसानियत को तो वो खेल ने जोड़ा है लिटरेचर के अलावा। सर खेल से एक तो हारमोनी फेटर्निटी और ब्रदरहुड बढ़ता है जिसकी आज हमें ज़रूरत है हर सतह पर सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और खेल एक अच्छा एक डिवाइस है अगेंस्ट द प्रोजिस वट एवर प्रोजिस प्लेग द ह्यूमैनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन जनाब मुझे ये एतराफ़ है कि पिछले कई साल से खेल के मैदान खेल पर केंद्रित रही है तवज्जो बहुत कुछ किया गया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। जब जहाँ तक मुल्क की सतह पर बात है वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है जो सपोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके इलेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी लाने क्योंकि आम तौर पर हर जगह पर एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है जहाँ तक सपोर्ट्स बॉडीज़ हैं जिनकी निगरानी जिनके जिम्मे निगरानी है सपोर्ट्स की वो उस पर एक तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि ट्रांसपेरेंसी और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो। तो जनाब जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है जहाँ पिछले कई साल में बहुत कुछ किया गया खेल के मैदान में लेकिन जिसके लिए जाना जाता है पहले है स्कीइंग। गुलमर्ग तो जो दुनिया में दूसरा स्कीइंग का सबसे बड़ा स्टेश सेंटर है सबसे डेस्टिनेशन है लेकिन जहाँ जब आप खेल की बात करेंगे तो खेल में एक तो ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की और दूसरी बात यह कि खेल में जब तक कि आप एक अफोर्डेबल एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक क्योंकि जो खेल खेलने वाला है और खेल देखने वाला है दोनों के लिए सुविधा होनी चाहिए। अब एक गुलमर्ग की बात कीजिए सर सारे दुनिया में स्विट्ज़रलैंड के बाद गुलमर्ग ही बड़ी डेस्टिनेशन है और साबित किया है लेकिन गुलमर्ग में क्या यकीन किया जा सकता है कि आज के दिन में भी सिर्फ एक होटल है जो सुविधा 5-star सुविधा देता है और किसी बाकी दृष्टि को पनपने नहीं दिया गया। सर मैं जाता हूँ गोल्फ के लेकिन सर ग्लोब में सर आज इस साल सर जम्मू कश्मीर का एक खिलाड़ी सिक्की के लिए चाइना की जो पीकिंग में जनाब जो हुई जो ओलंपिक्स हुई विंटर उसमें पार्टिसिपेट किया लेकिन मेरा मुतालबा ये होगा मेरे हिसाब से कि वहाँ के लिए एक अफोर्डेबल जो है एक अकोमोडेशन की बात है 70 के करीब लीज़ हैं जो अभी तक पेंडिंग है 2-3 साल से वहाँ तक कोई रूम जो तैदाद है कमरों की जो होटल्स की तैदाद है वो बढ़ाई नहीं जा रही गुलमर्ग में और जो यहाँ से जब जो भी कोई टूरिस्ट स्कीइंग के लिए विंटर में जाता है तो उसके लिए कोई मुनासिब कोई इंतज़ाम होता नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो लीज़ है अभी नहीं दिए गए हैं रिन्यू नहीं किए गए वो रिन्यू किए जाएँ ताकि लोगों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो ऐड करें जो अकोमोडेशन है। तो दूसरी बात है जनाब आसमान को छू रही है जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी एयर फेयर्स है उसमें भी बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है एयरलाइंस को तो जो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो जनाब इसी तरह सर हमारा जो गोल्फ कोर्स है जनाब ने देखा है कि वो एशिया के वन ऑफ द 10th बेस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड मे बी द बेस्ट इन द कंट्री सर उसकी जो ज़रूरत इस बात की है कि एक गोल्फ एकेडमी बनाई जाए श्रीनगर में ताकि और भी एक बाहर से भी माननीय सदस्य हनुमान जी आप इधर बैठते हो उधर बैठते हो इधर बैठते हो सर 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 ऐसा ही एक खेल सर जो है वो रिवर राफ्टिंग का है। पहलगाम में आप जानते हैं कि रिवर राफ्टिंग के लिए माना जाता है जो आड़ू से और चंद्रवाड़ी से जो भी नाला आता है तो उसके लिए कोई सुविधा है ही नहीं तो उसके लिए सुविधा जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई जाए अफोर्डेबल बनाया जाए एक तो वहाँ के लिए जो भी खिलाड़ी जाएँ वहाँ खेलने के लिए जाएँ या जो भी वहाँ दर्शक जाएँ ताकि उनके लिए सुविधा हो। तो इसी तरह जनाब हमारा एडवेंचर टूरिज़्म जम्मू कश्मीर का है
और उस एडवेंचर टूरिज्म पर कभी जो मुनासिब तवज्जो है वो नहीं दी जा रही है, जब एडवेंचर टूरिज्म पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और खासकर जनाब जो कि वहाँ का जो वेदर है उसमें बड़ा ही सूटेबल है, वो सारी जो हमारा समर है कि इवेंट्स हो जाएँ, इंटरनेशनल इवेंट्स हो जाएँ, नेशनल इवेंट्स हो जाए, और ख़ासकर एक अच्छे स्टेडियम की ज़रूरत है जो साउथ कश्मीर में बनाने की। सिर्फ एक स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम जहाँ और श्रीनगर में, उसके अलावा साउथ कश्मीर में है, डेवलप कर सकते हैं स्टेडियम ताकि वो एक डेस्टिनेशन बन जाए खेलों के लिए, जो वहाँ का जो वेदर है समर में वो उस वेदर की वजह से। तो जनाब और इन सारे चीज़ों पर ये नहीं कि किया नहीं गया, कुछ बहुत कुछ किया गया इन जो भी दो चार पाँच पिछले गुजरे साल है, लेकिन और करने की ज़रूरत है ताकि और जो हमारा जो स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स को और भी इंक्रेज किया जाए, और भी बढ़ावा मिल जाए, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप किया जाए। और ख़ासकर मैं फिर रिट्रेट करूँगा कि गुलमर्ग में फ़कत एक होटल, और उस होटल का टैरिफ जाता है रिपोर्टली अप टू मे बी मोर देन 50,000 रुपीस, एंड हु कैन जस्ट अफोर्ड, हमारे मुल्क में से कौन अफोर्ड कर सकता है कि जाके वो गुलमर्ग का ये कहे कि नहीं मैं तमन्ना करी गुलमर्ग में स्कीइंग का या देखने के लिए या तो स्कीइंग के लिए जाए। तो ज़रूरत ये है कि जो भी वहाँ पर अभी है लीज़ अभी रिन्यू नहीं किया गया है, वो रिन्यू ताकि होटल जो रूम नंबर है वो बढ़ जाए, और जो भी बाहर से इंटरनेशनल से जो हम 5 लाख ई वीज़ाज दे रहे हैं सर इस साल, यहाँ ये ऐलान किया गया, और ये एंड आई होप दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड विल रश टू विल जस्ट गो टू श्रीनगर, गो टू कश्मीर, बट देन वी डोंट हैव द अकोमोडेशन द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर स्पोर्ट्स सीकिंग के लिए, हमारे यूरोप से आते हैं जहाँ इन विंटर, बट वन मंथ देयर इज़ नो अकोमोडेशन, अफोर्डेबल अकोमोडेशन जो आम नागरिक है यहाँ का वो भी जाए, तो उसके लिए जहाँ जरूरत है, यही मेरा मेरी थैंक यू। सभा की कार्रवाई शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।